निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर। इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। हमारे जिलों का वार्षिक निरीक्षण एक हमारी इस तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें हम उस यूनिट का साल भर की पूरी कार्रवाई का लेखा जोखा करते हैं। क्या क्राइम फ्रंट पे क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे क्या हुआ, हमारे जो कार्य प्रणाली के जो विभिन्न पहलू हैं उन सभी पहलुओं का एक निरीक्षण का एक कार्यक्रम होता है जिसमें पुलिस लाइन में परेड होती है, पुलिस लाइन का भ्रमण होता है, जवानों से संपर्क होता है, जो भी साल भर की कार्यवाहियाँ हुई है, उपलब्धियाँ रही है, कमियाँ रही है, उन सब के बारे में हम लेखा जोखा करते हैं और अगले वर्ष में और ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते हैं हम, उसका भी हम प्लान बनाते हैं। सर अभी काफ़ी कमियाँ देखने को मिली उसके कुछ थोड़ी। देखिए ये एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रक्रिया है, जीवंत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। हमें रोज़ आज की असफलताओं से सीख करके कल सफल होना है। तो छोटी मोटी कमियाँ हर जगह रहती है बट कुल मिला के परेड में अच्छा प्रदर्शन रहा। युवा पुलिस अधीक्षक हैं, युवा टोली थी जिन्होंने परेड की और जो भी कमियां हैं उनको समयबद्ध हम पूरा करेंगे, गलतियों से एक दूसरे से सीखते हैं। सर मादक पदार्थ की बात करें तो मादक जो है ना ट्रेन के जरिए लाया जाता है और अजमेर ऐसी एक नगरी है पुष्कर और ब्रह्मा नगरी और अभी ATS ने भी मादक पदार्थ पर कार्रवाई करी थी उसके लिए कोई अभियान? मादक पदार्थ का हमारे पूरे राज्य भर में बड़ा अभियान चल रहा है और इस वर्ष 2019 में हमने पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी बड़ी संख्या में ज़्यादा मादक पदार्थ पकड़े हैं। ये हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अवैध हथियार और अवैध मादक पदार्थ हमारा पूरे राज्य स्तर पर बड़ी हमारी प्राथमिकता है। इसमें पूरे राज्य की पुलिस ने अच्छा काम किया है, CID क्राइम ब्रांच ने भी खूब बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं और SOG के साथ मिलकर के, जिला पुलिस के साथ मिलकर के, ये हमारी आने वाले समय में भी बहुत बड़ी प्राथमिकता होने वाली है। मैं आपके मार्फत सभी आम नागरिकों को भी कहना चाहूँगा कि ये नशे की प्रवृत्ति हमारे युवाओं को ख़राब कर रही है, आप इसके बारे में ज़रूर हमको सूचना दें, जिस पे भी आपको विश्वास है उसको सूचना दें तो हम कार्रवाई करेंगे। महिला सुरक्षा की बात करें ट्रेन के लिए तो महिला सुरक्षा के लिए कोई अभियान? बिल्कुल, महिला सुरक्षा राजस्थान पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, उनके लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें कि महिलाएँ सुरक्षित महसूस कर सके, न केवल मुकदमों का अच्छे से तफ्तीश करना बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए प्रोएक्टिवली कुछ कदम उठाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है और हम अगले साल में और नई नई चीज़ें करेंगे। व्हाट्सएप हेल्पलाइंस दी हमने जिसमें महिलाएं कोई भी अगर उनको महसूस करे कि कोई उनको गलत छेड़खानी कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए भी पुलिस द्वारा प्रोएक्टिवली प्रयास किया जा रहा है। नकबजनी की वारदातें काफ़ी देखने को मिलती है ट्रेन में? तो बिल्कुल, चलती ट्रेन में चोरी, नकबजनी, बैग स्नैचिंग, बैग लिफ्टिंग, मोबाइल स्नैचिंग, ये इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो हम अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे कि हम और अगले आने वाले साल में और बेहतर कैसे कर सकते हैं और जो इसमें जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो बार बार इस तरह की वारदात करते हैं, उनके विरुद्ध क्या प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। नई भर्तियां पूरे राजस्थान में आपने देखा होगा कि 5000 कांस्टेबल्स की भर्ती हो रही है तो उसमें GRP का भी अपना शेयर होगा और आने वाले समय में जो भी कमी है स्टाफ की उसको दूर करने के लिए पूरे प्रयास किया जाएंगे।